संभल लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जिया और रहमान वर्ग कार्यकर्ताओं के साथ निर्वाचन अधिकारी से मिले। संभल पुलिस प्रशासन मतदाताओं को डराकर उनके खिलाफ मुकदमे कर कार्रवाई कर रहा। जिया और रहमान वर्ग। संभल पुलिस प्रशासन मतदाताओं को मत न देने व मतदान के दिन घर छोड़कर जाने पर बना रहा दबाव, तो मतदाताओं को बेवजह पुलिस प्रशासन कर रहा परेशान। बीजेपी पार्टी की भूमिका में संभल का प्रशासन कार्यरत जिया और रहमान वर्क। समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ संभल के कलेक्ट्रेट बहजोई में जिला निर्वाचन अधिकारी से मिले जिया और रहमान वर्क। पुलिस प्रशासन के खिलाफ दिया शिकायती पत्र। देखिए, हम इसलिए मिले हैं कि क्योंकि हमारे साथ कोई पक्षपात की जो कार्रवाई है वो आगे को नहीं हो और बिल्कुल बगैर किसी भेदभाव के चुनाव हो सके। लेकिन इस समय जो कल से जो कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से, एक तरफा कार्रवाई, उसके सिलसिले में मिले हमारे समाजवादी जितने भी वोटर्स हैं जिनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई NCR नहीं है, उन कोई अगर होटल पर बैठ के चाय पी रहा है, मस्जिद से नमाज पढ़ करके निकल रहा है, घर में है, ज़बरदस्ती उठा उठा करके ला करके उनको बंद किया गया है। पुलिस की तरफ से दबिशें दी गई हैं लोगों के घरों पे। जो कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ा रहे हैं उनसे कहा गया कि अगर 3 दिन तक गायब नहीं हुए यहाँ से तो मुकदमे तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार पे लिख दिए जाएंगे। ऐसे कितने आदमी गिरफ्तार किए गए? ऐसे एक थाना नकासा है, थाना असमोली है, हयातनगर थाना है, बनिया ठेर है और कोतवाली संभल है। करीब ऐसे 400 के आसपास आदमी जी, और चंदोसी थाना है, पुर थाना है, करीब ऐसे 400 के करीब आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। और फिर ताज्जुब की बात ऐसी है, केला देवी में क्या है, जिनके खिलाफ कोई मुकदमा और NCR भी नहीं है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।